Assalamualaikum fans and viewers, welcome back to my channel and welcome back to the video. और मैं बहुत interesting topic के बारे में बात करना चाहता हूँ. Today is the match between Pakistan and India, the clash of the titans. तो चले आइए, जैसे आपको पता है कि बड़ा अच्छा मैच होगा, बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा. तो चले आइए पाकिस्तान टीम के बारे में बात करते हैं. तो पाकिस्तान के जैसे बैट्समैन है बाबर रिजवान, वो सबसे बेस्ट ओपनर्स है इस टीम के. इंडिया क्या बाबर और रिजवान को आउट कर पाएगी, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाबर रिजवान और फखर जमान ये टॉप थ्री पक्का है आपका. अगर बाबर रिजवान ने दोनों में से किसी एक को आउट कर दिया तो फिर आपका पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा. और जैसे आपको पता है इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग है. इंडिया के पास रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट कोहली है. मुझे लगता है जो सबसे बड़ा थ्रेट होगा वो सूर्या कुमार यादव होगा इस गेम में, क्योंकि सूर्या कुमार यादव इंग्लैंड सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर करके आया हुआ है. 100 भी उन्होंने किया हुआ है, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है. ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा प्लेयर है, खुल के खेलने वाला बैट्समैन है, डर के क्रिकेट नहीं खेलता. फिर आपके पास बहुत मतलब ऐसे बैट्समैन है जिसकी वजह से आप हार्दिक पांड्या को भी खिला सकते हैं. हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी अब करना शुरू कर गए. जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इंजर्ड थे, तो बैटिंग ही वॉज अलाउड टू बैट. तो बहुत फ्रेंटिक किस्म का कॉन्टेस्ट होगा. द मेन थिंग इज के टॉस ही मैटर करेगा आज के मैच में. जो टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी उसके ज्यादा चांसेस है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम द रिंग ऑफ फायर में मैच जीतने के. जैसे कल के मैच में हमने देखा कि अगर आप बॉलिंग करेंगे आप फिर सेकेंड इनिंग्स में जो है ना लो स्कोरिंग टोटल चेज कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बॉल बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से आता है. तो अब शाहीन शाह अफरीदी की कमी है, अब देखते हैं टीम में कौन खेलेगा. मुझे तो लगता है शाहनवाज धानी को खेलना चाहिए, नसीम शाह को खेलना चाहिए और हारिस रऊफ को खेलना चाहिए टीम में. ये तीनों पक्के हैं. लेकिन इंडिया के स्पिन और पाकिस्तान के स्पिन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो स्पिन है वो ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंडिया के पास युजी चहल है, रवि बिश्नोई है, रविचंद्रन अश्विन है और रविंद्र जडेजा है. और अगर हम पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान टीम के पास मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है और खुशदिल शाह है. तो ये शो करता है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक बिल्कुल वीक है. और इंडिया में अगर मैं बात करूं स्पिन अटैक की तो इंडिया के पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है युजी चहल. और जब आपके पास युजी चहल जैसी विकेट टेकिंग ऑप्शन हो तो फिर तो विकेट ले सकते हैं. और अगर आप लास्ट मैच की बात करें जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था तो इंडिया के पास युजी चहल नहीं था. तो अब इस बार इनके पास लेग स्पिनर है, दो लेग स्पिनर के साथ गए हैं, एक बिश्नोई और युजी चहल. अगर इनके पास ऐसे स्पिनर है तो फिर वो विकेट ले सकते हैं. तो चले आज के लिए इतना ही. मेक श्योर कर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूंगा. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.